बहुत बड़ी खबर है कि जो सीबीएसई के एग्जाम होने वाले थे उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और 2 बजे का टाइम था डिसीजन लेने का, और डिसीजन आ गया है और आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी एग्जाम जो होने वाले थे वो कैंसिल हो गए। जुलाई में जो शेड्यूल सीबीएसई बोर्ड ने दी थी, अब एग्जामिनेशन नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर है, आज की बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि जितने भी एग्जाम होने वाले सीबीएसई बोर्ड के, चाहे 10वीं के हो चाहे 12वीं के हो, सारे एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, अब पेपर्स नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपके इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पर या प्रीवियस 3 जो एग्जाम्स हुए हैं 12वीं के, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। जुलाई में आपका रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा, जिसका इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। उम्मीद थी कि 15 अगस्त के आसपास आएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल जी ने कहा था कि 15 अगस्त के आसपास सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट हम लाएंगे, लेकिन अभी आपका जुलाई में ही रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो मैं हमेशा आपके हित के लिए बनाता हूं। और यह बताना चाहता हूं कि सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस तैयार करेगी उसमें अगर आपका इंप्रूवमेंट करना है पेपर में, तो आप बाद में एग्जाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टॉपर हो सकते थे, अगर उनका एवरेज मार्किंग में उनको लगता है कि मेरा कम नंबर मिला है, तो सीबीएसई गाइडलाइंस बना रही है और सीबीएसई गाइडलाइंस बना के ये कहेगी कि आपका इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे रिजल्ट तो आ गया, लेकिन आप चाहते हैं कि और ज्यादा मार्क्स लाए, तो इंप्रूवमेंट के लिए आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में जब भी एग्जाम होंगे सीबीएसई के, तब आप एग्जाम देके अपना इंप्रूवमेंट करा सकते हैं, अपना पेपर का जो मार्क्स है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो ये एग्जाम कैंसिल हो गई है और सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनके लिए द्वार खुल जाएगा क्योंकि रिजल्ट आएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, जितने भी देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, सब में एडमिशन लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे क्योंकि आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा, 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके ये न्यूज, आपको ये न्यूज खुशी देगी या दुखी देगी, आप खुश है कि दुखी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एग्जाम तो कैंसिल हो ही गया है, आप बेफिक्र रहिए, रिजल्ट तुरंत जुलाई में आने वाला है, तो मैं कब रिजल्ट आएगी ये भी मैं बताऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट के भी पल पल की खबर मैं बताऊंगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।